अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से बात करते हैं। प्रोग्राम देखने वाले प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ मामलात पर गुफ्तगू हुई और शिकायात और पैगामात का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पर इस वक्त जो सबसे बड़ा एक बुनियादी मसला अब बन चुका है पूरे सिंध सूबे का, बिलखसूस शहर कराची का, वो बिजली की लोड शेडिंग है। अभी लोड शेडिंग की वजह से लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हमें गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत सारे पैगाम इसी हवाले से मौसूल हुए और लोग ये चाहते हैं कि इस हवाले से प्रोग्राम्स में बात की जाए। तो हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। साथ कुछ आपके जो सेहत के हवाले से मामलात हैं उसके ऊपर प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती है। सवालात वहाँ पर भी बहुत सारे मौसूल हुए और चंद शिकायत भी मौसूल हुई। कॉल्स के हवाले से कि कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता, तो उसकी एक वजह सिर्फ ये है कि जब बहुत सारे लोग एक वक्त में प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो ये उमूमन मुश्किल होता है कि सारी कॉल्स को एंटरटेन किया जाए या प्रोग्राम में शामिल किया जाए। जिसकी कॉल लग जाती है उसको फौरन से शामिल कर लिया जाता है और इसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। पैगाम जो सोशल मीडिया के ज़रिए हमें मौसूल होते हैं उस पर हमारी कोशिश ये होती है कि उनको बराह रास्त प्रोग्राम्स में शामिल किया जाए और अपने सामने जितने भी मौजूद मेहमान यहाँ पर मौजूद हों, ख़ास तौर पर आपके सेहत के हवाले से, उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। बहरहाल ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी कुछ मामलों पर गुफ्तगू होगी और ख़ास तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है, ओवरऑल ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज़ हैं या जो दीगर मामलात हैं सियासी नौइयत के, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर रोज़ खान हैं, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट साउथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ आपका, और एक सोशल वर्कर भी हैं एक्टिव। आज हमारी मेहमान हैं, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया रोज़ प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरी एक और बड़ी ख़ास हमारी मेहमान हैं, उनसे भी आज इन तमाम मामलों पर बात होगी। हिना शाह जिलानी सोशल वर्कर हैं, सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वर्कर भी हैं और साथ ही ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, उनको भी हम इस नशस्त में खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच मैम फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। रोज़ सबसे पहले तो बात होगी थोड़ी सी ह्यूमन राइट्स के हवाले से। आपका क्योंकि मौजू भी है, आप सोशल वर्कर भी हैं, इन मामलों को देखती हैं, बहुत ज़्यादा केसेस अब रिपोर्ट होने लगे हैं, ख़ास तौर पर ये जो हैरेसमेंट के केसेस हैं और ख़वातीन के साथ जो मामलात हैं, इसको किस तरह देखती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ इसके हवाले से मिनिस्ट्रीज़ भी मौजूद हैं, यहाँ पर काम भी होता है, लेकिन केसेस की जो टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कैसे कंट्रोल किया जाए? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अवेयरनेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वो जो सोशल अवेयरनेस है वो किसकी ज़िम्मेदारी है और कैसे पूरा हो सकता है, ये मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी गुफ्तगू की जाए। जी और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने जब पहला अपना स्टार्ट किया तो बहुत छोटे से इलाकों में जब हम गए, क्योंकि ज़रूरत बड़े इलाकों को नहीं होती। ठीक है, ये केसेस जब हम रिपोर्ट करते तो छोटे इलाकों से ही आते हैं और अवेयरनेस की कमी, बच्चों को तरबियत सही नहीं दी जाती है कि बेटा किसके ऊपर भरोसा करना और किस पे ना करना। तो आजकल तो अब ये कि हमने ये अवेयरनेस करना शुरू कर दिए, स्कूल के अंदर हमने बाकायदा ये क्लासेस भी चला रहे हैं कि बेटा खुल के थोड़ा सा बताया जाए बच्चों को कि किसके ऊपर भरोसा करना और किसके ऊपर नहीं करना। क्योंकि पहली तो हमारी जो क्लास है वो बच्चा है, फिर उसके बाद मदर्स है, फिर वालिद है। वालिद का तो प्लेटफॉर्म बाद में आता है, लेकिन ये चीज़ें, लेकिन रिपोर्ट केसेस जो हो रहे हैं वो मज़ीद बढ़ी रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। और ये ज़्यादातर मैं गांव साइड पर जाती हूँ तो बड़ा अफसोस होता है जी। क्योंकि बड़ा अजीब सा माहौल है कि छोटी सी बच्ची, उसे मार पीट के ये, और कुछ हासिल भी नहीं होना, और हमारे हाथों में जब आता है तो बहुत टाइम गुजर चुका है। और गांव के अंदर एक अजीब सा सिस्टम भी हमने देखा है कि थानों के अंदर, यानी हम कचहरी थाना जो भी कहते हैं, और लेडीज़ की जो तादाद है पुलिस, वो बहुत कम है। ऐसा ही है। और वहाँ की जो गांव की लेडीज़ है उन्हें ये भी नहीं पता है अवेयरनेस। देखिए हम जो शहर में बैठे हैं, हमें पीसी में प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात। पीसी के प्रोग्राम हमने बहुत अटेंड कर लिए, उसकी खुदाफिस करें। आप गाँव में हर डिस्ट्रिक्ट, हर ज़िला, हर तहसील में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम दें, ताकि ह्यूमन राइट्स का जो चाइल्ड राइट्स है,
वुमेन राइट्स है उनके बारे में हर गांव के बच्चों को पता हो, पता होना चाहिए। अब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी विजिलेंस कमेटी एज अ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, तो वहां पर हमने हमारे जो मिनिस्टर हैं विरजी कोहली उनसे हमने एक मुतालबा किया कि आप सीएम को कहें कि एक नंबर बाकायदा वो नंबर उसको अब किया जाए। ठीक है, वो माशाल्लाह वो नंबर बना है, अभी हेल्प लाइन नंबर की तरह वो यूज़ हो रहा है, उस पर कम से कम 8-9 वकला बैठते हैं, लेकिन वही बात है कि जब तक वो नंबर गांव के हर वोट पे नहीं लगेगा फायदा कुछ नहीं है। अब जब आप छोटी छोटी यूसीज में लगाएंगे, एक लेडीज को पता होगा कि जैसे 15 जी, ये 15 है मुझे फोन करना है, पुलिस आ जाएगी। इसी तरह एक लेडीज को पता, क्योंकि मोबाइल छोटा बड़ा गाँव में भी होता है, ठीक है, तो ये चीजें होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे केसेस ये भी रिपोर्ट हो रहे, मारपीट, तेजाब गर्दी, अभी कितने तेजाब गर्दी के तो बच्चियां रिपोर्ट ही नहीं करवाती हैं डर के वजह से, हम डर जाती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हो सकते हैं। और जना के कितने केस, आप यकीन करें कि रिपोर्ट आधे से ज्यादा रिपोर्ट नहीं होते, बिल्कुल आप ये भी बिल्कुल हरासमेंट हो जाती हैं बच्चियां, वो बिल्कुल खामोश होती हैं, हमारे तक पहुंच भी जाती हैं, फिर कहती हैं डर जाती हैं कि हम केस वापस ले लें, हम नहीं आ सकती, हम नहीं करेंगी, हम में हिम्मत नहीं है। जितना मुझसे होता है मैं उनके साथ थाने तक भी पहुंचती हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा रिपोर्ट होती है और बाज़ दफ़ा वो इतना उनके ऊपर प्रेशर होता है पीछे से शायद डर खौफ कि हमें कुछ हो जाए। और ये देखिए ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट पाकिस्तान के अंदर अभी भी कमज़ोर है, ऐसा ही आप बाहर जाएँ उस डिपार्ट की क्या हैसियत है, आपको पता है इस कार्ड की क्या हैसियत है कि इस कार्ड के ऊपर पुलिस थाने के थाने उनके जो होते हैं पुलिस स्टेशन वो हिल जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कराची के थाने तो हमें जवाब फिर भी दे देते, लेकिन जब हम गांव में जाते तो पूछते ये कार्ड कौन सा है, तो बड़ा अजीब सा फील होता है कि ये हो क्या रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये ना ये फरमाइए कि बड़ा सीरियस मैटर है जिसकी अभी इन्होंने बात की है रोज़ ने, कि हमारे यहाँ एक तो अवेयरनेस की कमी है और दूसरा एक बड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है लॉ एंड जस्टिस का, वो क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरा ये बात कि एक एक्सेस देना लोगों को, थाने तक एक्सेस देना और उनकी अपील कोई सुने उसके ऊपर एक्शन ले, वो सारी चीज़ें मिसिंग हैं। कैसे इसको फंक्शनल बनाया जा सकता है और सिस्टमेटिक कैसे किया जा सकता है, आप तो क्योंकि काम करती हैं आपको किस चीज़ की कमी नज़र आती है, मैं चाहूँगा आप ज़रा इसको हाईलाइट कीजिए। जी देखिए, सिर्फ ये जो बात होती है सिर्फ थानों तक महदूद नहीं होती, हमारा ये काम होता है कि हम वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ के जो वडेरे हमारे गांव में या सियासतदान जो भी है उसमें आते हैं, उन सब की ड्यूटी है। उसके बाद हमारी फैमिलीज की, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी ड्यूटीज़ हैं कि बच्चों को अवेयरनेस दें, स्कूल्स में जाके प्रोग्राम्स करें, इंस्टीट्यूट्स में जाके बच्चों को और फैमिलीज़ को, सबसे पहले देखिए माँ बाप का जिम्मेदारी, तो पहले माँ बाप को ऐसे, मैं मेरा ये है कि हर जगह जाके प्रोग्राम्स करने चाहिए, ठीक है। आप सिटी में तो चले थोड़ा लोगों को अवेयरनेस होती है, लेकिन गाँव में हमें बहुत ज़रूरत है काम करने की, हम कर रहे हैं, काफ़ी एनजीओज हैं, काफ़ी इदारे हैं काम कर लें, लेकिन समझ नहीं आता कि देखिए रूल और रेगुलेशन नहीं है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है, सख्तियाँ नहीं है, हाँ एक का कंप्लेंट चली गई किसी की उस पर कोई पनिशमेंट नहीं है, जब एक पनिशमेंट मिल जाएगी ना कोई एक केस होता है बिल्कुल, तो ये एक सख्ती जब आ जाएगी ना कि भाई देखिए आप बाहर भी कहीं भी जाएं तो एक सख्तियाँ कितनी है, मुस्लिम कंट्री में दुबई चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, अगर चोर करता है चोरी करता है उसका हाथ काट दो, यहाँ ये पनिशमेंट होनी चाहिए। अब सारे आम जब आपको सजा मिलेगी ना बंदों को, तो तब जाके मुझे लगता है कि कुछ लोग सुधरेंगे। वेरी गुड, अच्छी बात आपने कही है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि आगे जो भी हमारे कोर्ट में लोग हैं या जज हैं तो उनको थोड़ा प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे सिंध के स्पीडी जस्टिस की बिल्कुल ये जरूरी है, ये चीज़ें बहुत जरूरी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो दही इलाके हैं वहाँ के मसाइल बहुत सारे हैं, अब जैसे अभी रोज़ ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे ख्याल आया कि यहाँ पर अमूमन जो उनके मसाइल होते हैं ना उनको डिस्कस करने के लिए बड़े बड़े होटल्स में सेमिनार होते हैं, फोटो सेशन होते हैं और फूल जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? गांव में इनका एक्सेस होता नहीं है, ये वहाँ जाते भी हैं तो सिर्फ फोटो सेशन के लिए जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। क्या आप लोग भी ऐसे ही काम कर रहे हैं? वाकई जाके अवेयर करना, मैंने तो अभी तक कोई बड़ा काम नहीं किया पीसीसी में, मैं करती हूँ तो गांव में करती हूँ, मेरा ताल्लुक है खैरपुर से है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम अपने ही एरिया में जहाँ से मैं हूँ, लेकिन मेरा अब ये है मेरा अपना एनजीओ भी इंशाल्लाह मेरा दुआ करें कि हो जाएगा, तो वो फिर अपने हिसाब से पूरे सिंध में प्रोग्राम्स करूँगी। ये खवातीन के मसाइल हैं क्या, मेडिकल में के इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं,
एजुकेशन के इश्यूज हैं, बहुत मसले हैं। बिल्कुल ठीक है। हेल्थ का सबसे बड़ा इशू है जो हमें नजर आता है, ज्यादा इशू है कि एक बच्चे को अगर कोई बुखार खांसी या नज़ला हो जाए, उसको निकल के कई किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता है वहाँ पर। मैंने एक दो देखा क्योंकि मेरा विजिट हुआ, जो भी क्रिटिकल केसेस थे जिसमें बुलेट इंजरीज लोगों को हुई थी, उनको ऑल द वे यहाँ से ट्रैवल करके सिटी में आके सिविल हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। सोचें कि उसको मेन टाइम उसकी कितनी क्रिटिकल कंडीशन होगी, वो ब्लीडिंग उसकी कितनी होगी, तो ये बहुत बड़ा मसला है। सिंध गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या कर रही है, क्या उसकी प्रायोरिटीज में ये चीज़ शामिल है कि लोगों को फैसिलिटेट करें? जो भी गांव है ना, मैं तो ये सबको कहूँगी कि हर छोटे छोटे गांव में, हम शहरों में तवज्जा तो दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन छोटे गांव में हमें एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए, गायनेकोलॉजी भी हो, एमरजेंसी में कोई फिजिशियन भी हो, मेडिसिन भी फ्री देनी चाहिए विदाउट चार्जेस, कुछ भी नहीं। क्योंकि बेचारे, अब मुझे बताया, एमरजेंसी में अभी भी मैंने मेडिकल कैंप लगाया था एक रोज़ का, वो वहाँ कभी नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, और वो इतने लोग दुआएं दे रहे थे। मैंने आय का लगाया था, पीड्स का लगाया था, एक हार्ट सीएनजी वो हो रही थी अपना, बच्चों का, ये सारा दवाइयां भी मुझसे हम दे रहे थे। तो ये चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, हर गांव में होना चाहिए, सबको एक्सेस तक होना चाहिए, ख़ासतौर पे जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे केसेस ऐसे मैंने देखे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, वो सिर्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाबंद करें, खासतौर पर ऐसी लेडी डॉक्टर्स को वहाँ पे फील्ड में जो एक्टिव करें, वहाँ पे वो ऑपरेशनल होंगी। तो पता है क्या मसला है, हमारे जो बड़े डॉक्टर्स हैं शहर के, वो गांव जाना ही नहीं चाहते, तैयार नहीं, तैयार ना टीचर्स जाते हैं ना डॉक्टर जाते हैं। अब वो जो जाते हैं वो पता है आपको क्या करते हैं, वो ट्रांसफर करा के फिर चुप करके घर में बैठे, स्कूल खाली पड़े हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। जब तमाम चीजें देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी है, अब ये कौन कर रहा है ये तो जरा बताइए। कि हमने देखा कि सरकारी स्कूलों के अंदर भैंसे बंदी हुई है, कई जानवर बांधे हैं, इसको कैसे रोका जाए ये तो जरा बताइए। हमारा अपना भी कुछ फ़र्ज़ होता है ना, हम देखिए सारा फ़र्ज़ गवर्नमेंट का नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। गवर्नमेंट को आप नज़रसानी करवाएंगे तो वो हर जगह अपना काम करेगी, ठीक है। हम सारा कुछ मलबा गवर्नमेंट पे डाल देते हैं कि हुकूमत सही नहीं है, उसने आसान होता है सब चीज़ काम, मिनिस्टर ने ये नहीं किया। अब मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो अपना असेंबली ये फलाना, तो हम अगर एक रिपोर्ट बना के उसे पहुँचा देंगे तो हमारा एक फर्ज पूरा हो जाएगा। उसके बाद बेशक वो काम ना करे तो हमारी तनकीद उन पे बनती है। फिर तो हमने यकीन करें, मैंने जितना काम किया इतने अरसे में, मैं ऐसी ऐसी जगह गई जहाँ हॉस्पिटल नहीं थे, मैंने बाकायदा मैडम शेला को दिया, सईद भाई को दिया, तो उन्होंने बाकायदा उसको ऑन करवाया और चालू की। और उसके बाद मैंने लियारी के अंदर बहुत हमने देखा, लेकिन गरे एक ज़माने में मैंने वहाँ गधे भी देखे बंदे हुए, लेकिन आज वो स्कूल आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूलों का भी काम नहीं है। अच्छा, इतना अच्छा एजुकेशन उसमें हो रही है, बड़ा अच्छा। देखिए काम जब किया जाता है ना दिल से तो फिर बहुत कुछ होता है। अब आप अपनी ड्यूटी से जान छुड़वा लें तो फिर कुछ नहीं होना, तो फर्ज हम सबका है। बिल्कुल ठीक है, मेरा एक का नहीं है, मेरे पीछे जितने हैं सबका, बैठकर वो विजिलेंस कमेटी में हो ना हो, अहदेदार होना, हम सबका एक फर्ज है। हम शहरी भी हैं तो भी हमारा फर्ज है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। खवातीन कितनी विजिलेंट है ये तो बताएं, और एक्टिव कितनी है, टीवी प्रोग्राम्स में, टॉक शोज में तो बहुत एक्टिव होती है, फेसबुक के ऊपर तो रोजाना मैसेजेस हो रहे होते हैं, तस्वीरें लगती हैं, लंच डिनर काम करती हैं। हमारे अपना है, हमारी जो अपनी लेडीज है, आपने देखा होगा प्रोग्राम, जी जी मेरा सबके साथ इंटरेक्शन है, काम भी होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बातें करने तक हम लोग मैदान, बहुत एक्टिव पॉलिटिकल इदारे इतने हैं माशाल्लाह हमारे, और हमारी जो भी हमारी पार्टी के जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी हमारे क्या सारे माशाल्लाह इतना काम करते हैं। आप कराची में भी देख रहे हैं, पर असल में देख रहे हैं, हर जगह प्रोजेक्ट बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, लेकिन ये कि वहाँ के लोगों का भी काम, जैसे रोज ने कहा कि वहाँ मतलब बाकी जो लोग हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कि आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने एरिया को साफ़ सुथराई रखें, आगे जाएँ, वहाँ की डीसी एसपी से बात करें, मिले जाके कि हमें ये चाहिए, अवेयरनेस तो ज़रूरी है। जब तक हम लोग खुद आगे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आगे आना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी मैं एक आप दो हम तीन चार कुछ नहीं कर सकते, जब तक पूरी वहाँ के एरिया के लोग एम्पावर करने की ज़रूरत होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये आपकी पार्टी को क्रेडिट जाता है कि बहुत सारे उन्होंने लोगों को, जैसे अभी आपने कृष्णा कोहली की बात की है, शैला रजा की बात करी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड करती हैं, बहुत एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर हैं, और ग्रास रूट लेवल से आई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारी मुसरत न्याजी और बहुत
शमी मुमताज हाँ, नाम लेते जाएं जिनके साथ हाँ, हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा नहीं yes. कि हर पार्टी की जितनी वुमेन्स है जी, पार्टी के अलावा वो सोशल वर्कर भी है हम सब, तो लाजमी हमारा अच्छा शायदा रहमानी का नाम इसमें मैं नहीं पॉलिटिकल वर्कर जी। अच्छा जी चलिए गुफ्तगु हमारी रहेगी खवातीन के हवाले से और इनके सियासत में रोल के हवाले से भी बात पॉलिटिकली एक्टिव है, इसको हमने डिस्कस करना है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ ह्यूमन राइट्स के हवाले से, बेसिक ह्यूमन राइट्स की कमी के हवाले से बात हो रही थी और अवेयरनेस के ऊपर हम बात कर रहे थे। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आज जो हमारे मेहमानों का पैनल है उसमें दोनों मेहमान शख्सियात खवातीन हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। और वैसे तो आपकी पॉलिटिकल अफेलियंस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, तो थोड़ा खवातीन के हवाले से अब डिस्कस करते हैं ना। बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से तो बात हो गई, ये कितनी स्पेस दी जाती है, ये खवातीन जो देखती हैं ना हमसे पूछती हैं कि हम भी सियासत में पार्ट लेना चाहते हैं, कितनी स्पेस दी जाती है रोज़। पहले तो आपसे ये सवाल है, ज़रा बताइए कि जैसे हम देखते आए हैं पाकिस्तान की जो एक पोलिटिकल हिस्ट्री या कल्चर है, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आकर ये कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया कि आम ओहदों के ऊपर खवातीन को फाइज किया, फिर एक माइंडसेट चेंज हुआ। वरना उससे पहले तो खवातीन चंद एक ऐसी थीं जिनके नाम आपको पता होंगे और कोई नहीं था। कितनी स्पेस मिलती है पार्टी के अंदर और विद इन द पार्टी, क्योंकि खवातीन जहाँ होती हैं ना, लेट मी करेक्ट इफ़ आई एम रॉन्ग, तो बड़ी कन्फ्रंटेशन होती है, बड़ी इख्तलाफात होते हैं। अच्छा हमें अंदर की खबर होती है कौन किसके खिलाफ जो है ना वो काम कर रहा है, ये कितना फेस करना पड़ता है, ज़रा बताइए। बिल्कुल, पहले तो मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को तहसीन पेश करना चाहूँगी, कि उनकी ही काविशों से आज जो खवातीन जितनी हम नज़र आ रही हैं सब उन्हीं की वजह से हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी। यकीन करें उनकी इतनी मेहनत थी खवातीन के ऊपर, और वो ऐसी लेडी थी कि उन्होंने हर ग्रास लेवल की, वो कहती थी कि बड़ी लेडीज़ तो आ ही जाएंगी, लेकिन उन्होंने गांव से उठाई हुई एक औरत को कौमी असम्बली तक पहुंचाया, सेनेटर बनाया, असम्बली तक पहुंचाया, जहां कोई सोच नहीं सकता था। वडेरा शाही जो ज़िंदगी गुजारने वाली लेडीज़ थी उनको उन्होंने पीछे कर दिया, और ग्रास लेवल की एक आम सी लेडीज़ आपको कौमी असम्बली में नजर आएगी। कृष्णा का भी बड़ा तस्करा, कृष्णा को ही देख लें आप कि हाँ वो आई। और इसके अलावा आप यकीन करें कि आप हम ही से मिसाल है, आप यकीन करें, मैं खुद एक बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करती थी और मुझे बड़ा सपोर्ट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब मैं आई, तो आज देखें माशाल्लाह मेरे एक बड़ा मकाम। इंस्पिरेशन कौन थी? चलें मैम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद तो एक फिगर थी ही, तो सब उनको फॉलो करते हैं, उनको आइडलाइज करते हैं, उसके अलावा कौन सी इंस्पिरेशन है? चंद एक खवातीन का मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा हम शैला रज़ा को देख कर आए, किसी ने कहा जी शायदा को देख कर आए, किसी ने कहा जी शमीम हमारी इंस्पिरेशन बनी। आपकी कौन इंस्पिरेशन बनी? मेरी शुरू से ही बीबी साहिबा जो हमारी थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मैं बचपन से उनकी बहुत बड़ी फैन थी ना, वो बस मिलती थी पोपो के साथ, वो ऐसी शख्सियत थी कि मैं उनसे इतनी इंप्रेस थी बचपन से उनकी हर वीडियो, हाँ बस वो सियासत में बस वो देखती थी, उन्हें फॉलो करती थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और उन्हीं की तरह मुलाकात हुई कभी? हाँ मेरी मुलाकात उनसे हुई, छोटी थी तब मुलाकात थी, लेकिन अफसोस है कि वो आज नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में आज जिंदा है। क्या अच्छी बात है, बहुत खूब बहुत खूब जी। हिना साहब आप ज़रा आप बताइए, आपने क्या सोच के सियासत में कदम रखा? एक तो होता है ना कि एक फैमिली की तरफ से होता है कि चलें हमारी फैमिली में सारे लोग सियासत के अंदर है तो मैं भी एक्सपोजर ले लेती हूँ, ऐसा ही हुआ है? नहीं हुआ, हाँ फैमिली का भी एक था, मतलब हम लोग शुरू से ही करते आ रहे थे, दीदी आती थी तो उनके साथ उनसे मिलना, और एक सेटअप बना हुआ था हमारा कि भाई इलेक्शन हैं और जाना है, वर्क भी करनी है और खुद एजेंट भी बनना है, सब कुछ एंड टाइम पर खुद खड़े हो जाते थे लड़ने के लिए, तो ये सारी चीज़ें माइंड में थी। लेकिन उसके बाद फिर जब फैमिली बच्चे वो एक घरदारी भी अपनी जगह पे थी, लेकिन अब जब मैं फ्री हुई तो अभी मैंने सोचा कि चले अब अपने लिए और लोगों के लिए, अपने लिए भी लोगों के लिए उनके लिए कुछ करना चाहिए। और फिर बीबी का तो एक मकाम है, उनको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, वो हमारे दिलों में है। तो उन्होंने जो शोर दिया औरतों को, और अब मैं अभी भी आपके इस चैनल की तरफ से सब लेडीज को कहूँगी कि आगे आएं निकलें, अब वो चीज़ें नहीं है, सब कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा जो माहौल है, ये मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ सही है सेट है, लेकिन आप पे बहुत डिपेंड करता है। अच्छी बात है, आप किस तरीके से उठना बैठना, आप कैसे बीच करते हैं, कैसे उठते हैं,
तो ये बहुत जरूरी, अपने आप को डिफेंड करना सीखें। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसे हम डर के नहीं बैठ सकते कि अब मर्दों के जमाना है, फलाने देख लिया, फलाने बोल दिया, ऐसा नहीं है कुछ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमें आगे आना है और इस जमाने के साथ रहना है। अगर कोविड है या कोई बीमारी है, हम चुपके नहीं बैठ सकते घरों में, हमें निकलना है, सब कुछ करना है, दुनिया में रहना है, हालात के साथ लड़ के आगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज है। एक्सेप्टेंस मिल रही है, क्योंकि पहले तो ये होता था कि कोई सियासत की बात करता था अगर फैमिली में, तो उसको बड़ा डिस्क्रिमिनेशन का एक सामना करना पड़ता था, और ख़वातीन पे ख़ास तौर पे जब वो सियासत की बात करती थी तो मर्द ख़ास तौर पे फैमिली के बड़ा ऑब्जेक्ट करते थे कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, ख़वातीन को घर में रहना चाहिए। ये है, अभी भी होता है, ये है, क्योंकि हम भी सैयद है, हमारी फैमिली में भी है, लेकिन कि जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं ना, आपका माइंड जो है वो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, आपको कॉन्फिडेंस है एक दूसरे पर, ट्रस्ट है, तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं है। गांव में है, लोग देखेंगे कि हालात ऐसे, हमने खुद कभी कभी ऐसी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप एतबार करना सीखें ना। मेरा आपके एतबार सब पे है, तो मैं आपको कहूँगी भाई आप निकलें चाहे, लेकिन जब यहाँ ट्रस्ट नहीं है तो फिर वहाँ इश्यूज बहुत हो जाते हैं। अच्छा। तो बेहतर है कि आप अपने आप को इस काबिल बनाएं। आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जॉब भी तो कर रहे हैं ना, आप आगे आ रही हैं, अपना शौक है सबका। अगर कोई आना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में बुरी नहीं है, हमने खुद उसको बुरा बनाया, बुरा बना दिया आपने, बिल्कुल ठीक है। चलें, अब रोज ये बताइए कि एक पॉलिटिकल वर्कर होता है, उसको बहुत सारे मुश्किल काम करने पड़ते हैं जी, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, उसको जेलों में जाना पड़ता है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी की पूरी हिस्ट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है लोगों के साथ जो है इनजस्टिस हुआ, मुश्किल उठाई हैं, और वो हर पॉलिटिकल वर्कर का करियर उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। आज भी एहतजाज भी हो रहा है, मैं देख रहा था वो पानी वाले इशू के ऊपर, सारे यहाँ से जो है वो लड़काना गए हुए थे और वो निसार खोड़ो साहब उसको लीड कर रहे थे, तो वो गर्मी में जाकर बैठना, मर्दों के शाना बशाना, सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि ख़वातीन बड़ी हमारी इजी गोइंग होती हैं, बड़ा उनको जो है वो एक अलग उनका जोन होता है कम्फर्ट का, उसको कोई ब्रीच ना करे या वो उसको खुद नहीं उससे आगे जाती। क्या ये सारी चीज़ें छोड़ कर आ गई हैं पीछे, इस बारे में बताएँ ज़रा। चेयरमैन साहब है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए ही काम करना चाहते हैं, और जो ये बात हो रही है, ज़ाहिर है अगर ख़वातीन इस पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगी और उनका सिखाना बसाना नहीं, काम नहीं होना है, तो फिर कैसे मुल्क तरक्की करेगा? आप तो हमें अपनी पार्टी के साथ साथ हम ये भी तो देख रहे हैं हमारी पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है। ज़ाहिर बीबी साहिबा ने भी हमेशा अच्छा ही काम किया, और आज उनके बेटे हैं चेयरमैन साहब हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी, वो बहुत मुसलसल अच्छा काम कर रहे हैं, और वो किसी भी एहतजाज को वैसे नहीं करवाते, लेकिन सोच समझ के जब ऐसी कॉल आती है। अब देखें ना, महंगाई का इतना रुझान है, अगर एहतजाज ना हो तो क्या होगा? जिस तरह आप देख रहे हैं एक रुपए की चीज़ 50 रुपए तक पहुंच गई है, दवाई हमारे बस में नहीं रही है। आज गरीब अफराद आप सोचें खाना खाते वक्त सोचता है जो 3 टाइम खा रहा था वो 1 टाइम पे आ गया, तो ये बहुत, ये अगर हमने काम नहीं करेंगे, हम घर से लेडीज़ नहीं निकलेंगी, तो फिर ये कैसे सब कुछ ठीक होगा? तो हम सबको निकलना है, जिम्मेदारी मैंने कहा ना कि मेरी एक नहीं है, हम सबको मिलके ये काम करना है, हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, और हमें ही सुधारना है। बिल्कुल ठीक है, और सबको इसमें अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। मैम ये फरमाइए, क्योंकि अब जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं, आपके ताल्लुकात भी फिर लोगों से होते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से भी आपका इंटरेक्शन होता है, फिर कुछ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर जब वो जाते हैं तो कुछ गर्मा गर्मी भी हो जाती है, तो ये वैसे ओवरऑल कैसे मामला चल रहे हैं ये तो बताइए, अभी तक के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं शेयर करें ताकि लोगों को पता चले, खासतौर पे ख़वातीन को। ये तो बहस मुबहसे तो होते रहते हैं, तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, मुखालिफत ये तो चीज़ें चलती रहती हैं ना। जाहिर है आप अपने आप को डिफेंड करेंगे, अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, उनका अपना है वो अपनी पार्टी को करेंगे, ये नेचुरली एजेंडा होता है। हम लोग जाहिर ही ऐसा नहीं होता कि हम हर वक्त लड़ते रहते हैं यार, कोई बस वो जाहिर है प्रोग्राम के हवाले से फिर बात होती रहती है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ ख्वातीन हैं आपके ख्याल में जो अच्छा काम कर रही हैं, चंद एक नाम ज़हन में? मेरी इतनी नॉलेज में नहीं है। चलिए ये टेस्ट है आपका, बताइए। मेरी नॉलेज में है उसमें ये कि जब काम करने की बात आती है जो जिसको मैं थोड़ा कभी देखा है काम करते हुए, सुना है शीरी मजारी का बारे में पता चला है? शीरी मजारी अंदलीप का कभी नाम सुना है? अंदलीप सुना है, एमकेएम की कुछ लेडीज़ हैं जिनको मैंने देखा था, बाकायदा बहुत अच्छा काम कर रही है उनकी कौमी असम्बली की, और क्योंकि मैं अक्सर उनके साथ रोड पर होती थी तो दोस्ते भी है, अब लाजमी हम दुश्मन तो नहीं है, ऐसे, ऐसे, बिल्कुल सबके साथ हम देखें बेसिकली मुसलमान हैं,
तो हमारा पहला फर्ज है कि हम प्यार से देना है। ये नहीं कि वो एमक्यूएम था हमारी कोई दुश्मनी चल रही, वो हमारी दोस्त थे। सियासत अपनी जगह पे होती है, तो अपना अखलाक और अपनी डीलिंग है अपनी। और यकीन करें हम साथ मीटिंग्स में मीटिंग होती है जब पीसी में, तो हम साथ होते हैं। वो भी यही कह रही होती है कि भाई ग्रास लेवल पे काम करना, तो चलो रोड पे आके काम करते हैं। अब ये बताएं पार्टी में सबसे ज्यादा किसको सराहा जाता है या शाबाश किसको मिलती है? क्योंकि अक्सर ये जो है ना दूसरी पार्टी वाले शिकायत करते हैं कि यार जो खवातीन है ना सिंध असम्बली के अंदर, ये बड़ा तंग करती हैं, बात करने नहीं देती हैं, और जब हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा से वो लगता है। वो कौन कौन लोग हैं जरा उनके बारे में बताइए, वो कौन सी खवातीन है जिन्हें हम नहीं जानते, बताए कौन कौन लोग हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें हैं। वो देखिए जब अब बहस होती है तो फिर बातें तो होती हैं। अब वो औरतें, ये सिर्फ औरतों का नाम बदनाम है कि औरतें ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन आप जब मर्दों की आपने देखी होगी ना प्रोग्राम्स और ये शो, तो वो कितना बोलते हैं मर्द। मैं देखता हूँ अक्सर, है ना, बहुत बोलते हैं मर्द। प्रोसीडिंग होती है ना आजकल तो बहुत ज्यादा। हाँ हाँ बहुत बोलते हैं, सियाल साहब खड़े हो जाते हैं इधर से। जी जी लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं हम। ये तो ये सिर्फ खवातीन नहीं है, मर्द भी इसमें, मर्द भी है। वो पॉलिटिक्स के अंदर तो आपको ज्यादा वोकल होना, वही बात आ जाते हैं ना कि हमें अपने आप को डिफेंड करना है, डिफेंड कर बस हमारी पार्टी को और कुछ नहीं। हाँ। पार्टी में वैसे ट्रेनिंग हो रही है, अब जरा ये भी बताइए ना जरा खवातीन को पता चले, क्योंकि यहाँ पर एक चीज जिसकी बड़ी कमी नजर आ रही है ना वेरी सीरियस नोट में जब देखता हूँ, तो पार्टी में क्योंकि एक कल्चर ये होना चाहिए कि अपने वर्कर्स को ब्रीफ किया जाए, उनको बताया जाए इश्यूज के हवाले से, प्रिपेयर्ड किया जाए, क्या ये चीज हो रही है? सबसे ज्यादा कमी नजर आती है मुझे हर पॉलिटिकल पार्टी से, ये सवाल करता हूं। हमारी इश्यूज के ऊपर बहुत कम उनकी जो होना चाहती है। आपको शायद मैं बताना चाहूंगी, अच्छा आपकी पार्टी की तवज्जो से चेयरमैन साहब की बिल्कुल सख्त हिदायत है, और अब जिला से लेके सिटी एरिया से लेके वार्ड तक ट्रेनिंग के साथ साथ बाकायदा ये पूरी तंजीम को हमने मुकम्मल किया है, और इसमें हमारी कराची डिवीजन की जो सदर है मोहतरमा शायदा रहमानी, उनका बड़ा क्रेडिट जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छा। आजकल वैसे कितना टाइम कराची में होती हैं? ज्यादा टाइम तो इस्लामाबाद में वो होती है, लेकिन जब भी कराची में होती है पूरा टाइम कराची में देती है, ज्यादातर यही होती है इस्लामाबाद में अपने काम के हवाले से जाती है। वो तो जाहिर है उनको लाजमी है, कौमी असेंबली की मेंबर है तो उनको जाना जरूरी है, लेकिन वो जब कराची में आती है तो वो हर इलाका, हम खुद उनके साथ बैठते हैं, वो छोटा सा छोटा गैती लाइन सैफिल लाइन तक भी वो आप जारी आके बैठती है, और ये बहुत बड़ी बात है, और छोटी से छोटी मीटिंग भी अटेंड करती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि दो लेडीज भी हमारी वो जाया ना जाए, और जो काम करती है हम वर्कर्स यकीन करें कि हम खुद बाकायदा उस तक पहुँचते हैं, उनकी मदद करते हैं जब तक चेयरमैन पहुँचेंगे, क्योंकि चेयरमैन साहब की हिदायत है हमें कि जितनी जो बड़ी अहदेदार है वो छोटे से लेके हर किसी को हमें पूछना है। अच्छा चलिए अब जवाब ये दें, क्या अहदों के लिए लड़ाई होती है कि मुझे ये अहदा चाहिए? क्योंकि हमारे पास ये खबर आई थी कि कोशाला ने कोई एक कमेटी बनाई थी खवातीन के हवाले से, फोटो सेशन हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद मामला वहाँ पे ख़त्म हुआ कि मुझे ये वाला अहदा चाहिए, मुझे ये वाली पोजीशन चाहिए, क्या ये बात सही है? सच सच बताएं, हुआ है ऐसा? हाँ होता है। मैं ये इतना मुझे सही पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी आई हूँ तो इतना मुझे नॉलेज में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें नेचुरली होता है। हाँ, ये होती के लिए झगड़ा होता है रोज़। फिर आप औरत की बात कर रहे हैं ना, औरतों में नहीं होता, ये मर्दों में भी होता है। मैं बार बार आपको यही कहूंगी कि मर्दों में भी होता है, औरतों में नहीं होता। असल में देखे देखिए जो सीनियर होती है ना, अब वो आप जूनियर को आगे लाएंगे, सीनियर को पीछे करेंगे, तो यहाँ पे लगाव आ जाता है इस वजह से। और जो हार्ड वर्कर होती है वो कहेंगे भाई हमने इतना काम किया है, हमें नहीं पीछे, हमें पीछे रखा गया, आगे जो कल आई हैं या परसों आई हैं उनको आगे लिया, ये चीज़ें होती हैं। इसमें फिर मसला होता है, ये तो हर पार्टी के अंदर, ये होता है, और कुछ पे नहीं होता। लेकिन एक सोच होनी चाहिए लेडीज़ के अंदर, देखें अगर आप काम करते हैं ना, आपने काम करना है, अच्छा काम करना है, वर्कर्स बनकर भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आपके पास सिर्फ प्लेटफॉर्म आप खुद ढूंढो और शुरू हो जाओ, औदे की क्या जरूरत है? मुझे कहते हैं कि आप इतनी सीनियर है, आपके पास औदा क्यों नहीं? आप काम है ना, मैं काम कर रही हूँ, सिर्फ मुझे हमें है काम करना है ना, पार्टी के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए, गरीबों के लिए। मेरा तो मकसद ये है कि मैं गरीबों के लिए कुछ करूँ, अब जो उसके लिए मैं इंतजार तो नहीं करूँगा, मुझे औहदा मिलेगा तो मैं काम करूँ, अदरवाइज हम सब पड़ जाए ना। सोच कैसे डेवलप करेंगे ना, आपकी ये सोच है, हो सकता है रोज भी ऐसा सोचती हूँ, लेकिन जो बाकी लोग हैं पार्टी में वो तो ऐसा नहीं करते। अच्छा ये दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी खवातीन से भी यही बात करता हूँ कि ये एक्सेप्टेंस कब आएगी कि अगर किसी को अहदा मिल जाए? अब यकीन कीजिए आप मेरी बात से शायद इत्तेफाक करें या ना करें, जितनी सियासत मैंने अवानों के अंदर नहीं देखी, उतनी पार्टी के इजलासों के अंदर देखी है, और ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ देखी है,
जो हो रही है, लॉबिंग भी हो रही है, किसको आगे लेकर आना है, विद इन द पार्टी भी ग्रुप्स बने हुए, सियासत होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से जो है बहुत सारे मामले खराब भी हो रहे हैं। अब क्या करें, पार्टी चेयरमैन के पास तो टाइम नहीं है ना, घरों में भी आजकल सियासत तो चले, लोग इतने आजकल लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई कि हर जगह सियासत को लेके आएंगे, ठीक है, बाकी मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। अच्छा, कि एक प्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ पर विद इन द पार्टी भी इलेक्शन हो, क्या पॉलिटिकल वर्कर जो हैं पार्टीज के, वो सवाल नहीं करते अपनी लीडरशिप से कि भाई आप चीज़ें सिस्टमेटिक कर सिस्टम दीजिए, और एक ताकि कोई भी ग्रास रूट लेवल से आए, तरीकेकार होना चाहिए हर चीज़ का, और ये अभी हो रहा है, अभी हमारे चेयरमैन बिलावल ने स्टैंड लिया है और वो सबकी मीटिंग्स अलग, जो भी बेचारे लोग मायूस हैं, पीछे हट गए हैं, परेशान है कि भाई हमने इतना काम किया, 50 साल से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं, हमें पीछे रखा गया, तो अभी शुक्र है अल्लाह का कि चेयरमैन साहब ने स्टैंड लिया है और आगे ला रहे हैं लोगों को, पुराने लोगों को जो हार्ड वर्कर लोग हैं, चाहे वो जेंट्स में हो या मेल फीमेल सब, तो इंशाल्लाह बेहतरी, हमें उम्मीद है कि अब हालात काफी बेहतर ठीक है, लीडरशिप इसके ऊपर काम करिए सब। अच्छा, अब ये बताएं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी कमी नज़र आती है आपकी पार्टी में, तो नहीं पता लेकिन यहाँ पे जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें लीडरशिप से मुलाकात के लिए उनको 6-7 महीने पहले वक्त लेना पड़ता है। वो बहुत सारे MNA MPAs जो हैं वो शिकायत करते होते हैं TV प्रोग्राम्स में बैठ के, कोई जी लीडरशिप से जो है वो बात नहीं हो पाती, अपने मसाइल नहीं बता सकते, वो लीडरशिप इस्लामाबाद में होती है, यहाँ से इलेक्टेड मेंबर हैं वो बैठे हुए हैं, कहते हैं हम खत लिखते हैं, इशूज़ के बारे में बताते हैं, अपने एरिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बताने की कोशिश करते हैं, एड्रेस नहीं हो पाते। यहाँ पे क्या सूरत हाल है ये तो ज़रा बताएं ऑनेस्टली कि क्या ये आसान है मामला या वाकईतन इसमें मुश्किल होती है? जी जी नहीं, हमारे लिए तो मिलना, मैंने तो बाकायदा बीबी आसपास से बिल्कुल बहुत जल्दी ही मिल गया बीबी आस, जब मैंने अपना इलेक्शन फाइट किया, मैं जीती तो मैं पहले ही बिलावल हाउस पे थी, बहुत छोटा इलेक्शन था, ठीक है, लेकिन ये कि मुझे नहीं लगता कि हमारे लीडर तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ चल रहे होते हैं कदम से कदम मिला के, क्योंकि चेयरमैन साहब मैं जब देखती हूँ कभी कोई गांव किसी भी जगह पे वो खड़े होते हैं और उनके साथ इन हो जाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि वो वाकई सच्ची बता रही, वो बीबी के बेटे हैं और बीबी साहिबा को भी मैंने यही देखा था, वही जमीन, वो इतनी बड़ी एशिया की लीडर थी, इतना बड़ा नाम था, पैसों की या कोई कमी नहीं थी, वो क्यों आती, वो पाकिस्तान में क्यों आई, वो हमारे लिए आई, लोगों की वजह से, हमारे बच्चों के लिए आई, हमारे लोगों के लिए आई, गरीब लोगों के लिए आई, चाहती तो वो इतना पैसा था, इतनी दौलत थी, वो आराम से बैठ के सारी जिंदगी जिंदा रहती, बैठे हैं ना अल्ताफ साहब भी वहाँ पर, सभी कुछ बैठे हैं, सभी लेटर चले जाते हैं, देखे नवाज सब लेके निकल गए, लेकिन हम उस लेडीज जो भी हमारी जो तीना बीबी साहिबा उसका एहसान हम जितना भी माने उतना कम है, और उनके बच्चे भी ऐसे ही हैं, बीबी आसफा, बीबी बख्तावर, और बीबी आसफा बिल्कुल सेकंड अपनी मदर की तरह, ये ज्यादातर लोग कहते हैं, मेरी कभी मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन ये बात हुआ, दो दफा बिल्कुल करीब वो रिफ्लेक्शन है, ये मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, उनके अंदर एक बड़ी अच्छी सलाहियत है, अगर वो सियासत में एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आई तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत हद तक बेहतर हो, रिप्लेसमेंट हो सकती हैं वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, क्योंकि लोग कहते हैं क्योंकि पावर है ना उनका, वो पावर भी अच्छा है, सही है, और बड़ी काम को समझती है, जब वो खुद लियारी उठ के आ गई सुबह सुबह, मैं अपनी यूसी पे थी, मेरी अपनी यूसी थी, वो वहाँ आई और बड़ा आसानी से वो मसला हल किया, खड़ी रही, हालांकि क्या जरूरत थी कचरे के ढेर पे, एक इतनी बड़ी लीडरशिप की बेटी है, जरूरत भी नहीं थी, इतना प्रोटोकॉल का इनका मसला चल रहा है, लेकिन फिर भी वो आई, उन्हीं औरतों से मिल रही है, गले समझती है इन चीजों को, तो इनसे अच्छे मैंने नहीं देखे, तब तो मैं कहती हूँ ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अच्छा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है जी, चलें ये खवातीन की राय है, और पॉलिटिकल वर्कर जो है वो अपनी लीडरशिप के ऐसे ही होते हैं, उनको बड़ा दिलो जान से चाहते हैं और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आज बनी हैं ये अपने वर्कर्स की वजह से बनी हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है हर जगह ये हुआ कि पॉलिटिकल वर्कर्स को नज़रअंदाज किया गया ना, उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं, चलो उनके बारे में अभी वो नहीं वो करते कि उन्होंने बेचारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी लेकिन उनको जो है वो जानते बूझते एक तरफ कर दिया गया, तो ये आपके ख्याल में, मैं फिर वही बात आपसे पूछूंगा कि सिलसिले को कि अब खत्म होना चाहिए, खत्म होना ताकि लोग मजीद पार्टी की तरफ आए। बात ये है कि चेयरमैन साहब जो मेन कयादत है वो एक एक जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने मिनिस्टर रखे हैं, फिर उसके नीचे फिर MPA MNA आ गए
और फिर वहाँ के सदर से जनरल सेक्रेटरी सारे अहदे में ना, ये किस लिए रखते हैं हम लोग, इसलिए कि वो डील करें, मसले हल करें हमारे एरिया में। चले मैं खैरपुर से हूँ तो वहाँ के जो है MNA MPA एक नहीं तीन तीन चार शहर हैं, इसीलिए फिर उसके UC वाइज सदर आ गए, म्यूनसिपल्टी में चेयरमैन आ गए, DC आ गए, इसके तो ये सारे इसीलिए टीमी वर्क है कि सब मसले अपनी जगह पे हल हो। अब चेयरमैन तक जब तक लोग नहीं पहुँच सकते ना डायरेक्ट, अब कोई नहीं पहुंच सकता, तो एक थ्रू एक वसीला एक तरीके का होता है, उस तरीके से आप बिल्कुल आपने ठीक कहा, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, बात पहुंचा सकते हैं। अब ये बताइए कि आजकल जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, या जो इस वक्त जो दौर चल रहा है, इसमें बहुत सारे सियासतदान TV पे आके बने, ठीक है, उनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है। मैं नाम नहीं लेता, पीपल्स पार्टी के अंदर भी हैं, PTI के अंदर भी हैं, हर पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिकल वर्कर्स इसके खिलाफ बात करते हैं कि जी हम काम करके झंडा लगाकर एहतजाज करके डंडे खाकर हम यहाँ तक, उनका राइट है, एग्जैक्टली जो मैं करता हूँ। तो ये जो आजकल पैराशूटर्स जिनको कहते हैं, तो ये जो पैराशूटर्स आए हैं जो मुख्तलिफ पार्टी से भी आए, उनको आकर टिकट भी दिए गए और वो खुशकिस्मती से जीत भी गए, क्या वर्कर सवाल करता है या करना चाहिए आपके ख्याल में? ये जस्टिस है, उनका हक है। हाँ, देखिए जो पुराने बेचारे जाने देते हैं जलसों जुलूसों में सब कुछ करने के लिए, आप यकीन करें एक अगर हम लोग वर्क पे जाते हैं ना, गरीब बिल्कुल गरीब, उनको कुछ नहीं मिला होता है, वो शिकायत भी करते हैं कि मुझे नौकरी भी नहीं मिली, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं वोट भुट्टो को दूंगा, मैं बेनजीर को बिल्कुल आप चलिए कुछ भी ना दे, लेकिन मतलब ये अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोग हैं, उनको लालच नहीं है, अप्रिसिएशन की जरूरत है, लालच नहीं है कि हमें कुछ मिला नहीं है, लेकिन वो एक जान देने के लिए भी तैयार है। लेकिन मेरे वो बीबी का जो प्यार है ना, वो अब तक दिलों में ऐसा बसा हुआ है कि आप यकीन करें आज भी वो, मैंने ऐसी लेडीज देखी जिनके पास जेब में पैसे भी नहीं होते, वो जब आती है तो मैं कहती हूँ भाई किस में आई है, पैदल आए, इतना इतना सफर करके पैदल जलसों में रैलीज में शरीक होते हैं, तो मैं हम तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और मैं तो बस अपने चेयरमैन से आपके प्रोग्राम के तवसुस से भी ये चाहूंगी कि आप जो मीटिंग से आप उनके साथ भी करें, क्योंकि वो उनको बहुत जरूरत है, आपसे इतना प्यार करती है कि वे आपको बयान नहीं कर सकती, जब मुझे बताती है ना कि हमें बस बीबी के बेटे से मिलना है, मुझे बड़ी खुशी होती है उन अम्माओं को देख के, उन माओं को देख के कि वाकई उनको सलाम है, जितना सलाम करूं उतना कम है। और मैं तो खैर उन तक पहुंच जाती हूं, लेकिन वो वाकई आप सही कह रहे हैं, वो चेयरमैन तक नहीं पहुंच पा रही, यही है ना कि जो बेचारे वर्कर मिलना चाहते वो ही नहीं मिल पाते, हमारे चेयरमैन साहब के साथ ये चीजें जरा थोड़ी सेट इश्यूज भी है ना, आपको पता है इनकी जान को, आप खो दी तो हम तो सबर कर लेते हैं, तो वो इस तरह कुछ ऐसा कुछ बनाए अपना सिस्टम कि हाउस में ही सही, लेकिन आप उन लेडीज से मिलना चाहिए, मिलना चाहिए वर्कर से जो आपके लिए जान दे रहे हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं, वो अम्माएं उन्होंने 60-60 साल 50-50 साल पार्टी बिल्कुल मैंने देखा है ऐसा कि वो सारा टाइम बाहर बैठी होती है इंतजार कर रही होती है, तो ऐसा उनका हक बनता है, तो चेयरमैन साहब तक जो ये पहुंचा दिया, ठीक है जी, ये उन तक पहुंच गई है और वो सबको टाइम देते हैं सारे पॉलिटिकल वर्कर्स को, तो आपको भी जरूर टाइम दिएगा। आखिर में अगर कोई मैसेज देना चाहें तो जो प्रोग्राम खवातीन देख रही हैं उनको जरूर मैसेज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा पैगाम यही है अपनी माओं बहनों भाइयों के लिए कि खुदारा आगे आए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी बच्चियों के लिए कुछ करें, चाहे वो हेल्थ का मसला हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, कोई भी सोसाइटी में, जैसे ये आजकल आपने देखा रेप है, और पुलिस को कहूँगी, वहाँ के DC SP सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, हमारे MNA MP सबसे कि भाई मेहरबानी करके कुछ करें कुछ लोगों के लिए जो इतने परेशान हैं, हर गांव में जाएं, शहरों में हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, पढ़ाई भी हो जाती है, हॉस्पिटल, लेकिन गांव में जो बेचारे कुछ भी नहीं है उनके लिए कुछ करना मुश्किल है। यस, रोज क्या मैसेज देंगी? हाँ, मैं मैसेज देना चाहूंगी कि अपना जो वोट का जो राइट है वो सही इस्तेमाल करें। हाँ, उसको समझे, इम्पोर्टेंस को, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, क्योंकि अगर आपने अपना वोट गलत जगह दे दिया ना तो आप सारी जिंदगी रोते रहेंगे, और वोट को इस्तेमाल करें, घरों में सोए ना वोट वाले दिन, अपना इस्तेमाल करें उसको, इसी से हमारा मुल्क तरक्की करेगा और अच्छी राह पे जाएगा। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड रोज, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मैम ना आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दी, हमारे साथ आज प्रोग्राम में यहाँ पे शरीक हुई। यकीनन जो खवातीन प्रोग्राम देख रही हैं उनको बहुत सारी बातें पता चली होंगी, हमें बहुत सारी बातें पता चली हैं कि पार्टीज़ के अंदर क्या हो रहा है,
अच्छी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि वो जो इंटरेक्शन है लीडरशिप के साथ वो बढ़ रहा है, अच्छी बात है, वो ग्रो करना चाहिए और ख़वातीन की पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बहुत शुक्रिया, आपको इंशाल्लाह ज़हमत देते रहेंगे। और नाज़रीन, इसी तरह जो दीगर ख़वातीन हैं मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ पार्टीज़ में काम कर रही हैं, उनको आपके सामने लाते रहेंगे। पाकिस्तान में सियासत में ख़ास तौर पर ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार रहा है, और वैसे तो इसकी हिस्ट्री बड़ी पुरानी है, बेगम राना लियाकत अली से शुरू होती है और बहुत आगे तक सिलसिला, आज भी बहुत सारी पोलिटिकल वर्कर्स हैं ख़वातीन के अंदर जो काम कर रही है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और इस तरह बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इस किरदार को मज़ीद बढ़ाना होगा, फाल करना होगा, और पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़िम्मेदारी है कि ख़वातीन को स्पेस दें, वो रिस्पेक्ट दें, ऑनर करें, और उनकी जो सही जगह है जिसकी वो हकदार हैं वो उनको ज़रूर जो है वो देनी चाहिए। यहाँ पर एक हमारा जो पहला सेगमेंट है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा है, दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएँगे तो ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।